Hello, welcome to Legal Awareness web series. एक जमाने के बाद हम Legal Awareness web series को फिर से resume कर रहे हैं। इधर कुछ busy रहा, पटियाला National Law University में एक महीने से स्ट्राइक चल रही थी। पूरा हफ्ता पिछला उस स्ट्राइक को खत्म कराने में, वहां जाने में, वहां से वापस आने में लग गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप पर एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया। 2019 से देश में सिटीजनशिप को लेकर बहस हुई, प्रोटेस्ट हुई। 2024 में चुनावों से पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स बनाए गए और लागू किए गए। आइए जरा समझते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये आसाम के बारे में है। और याद रखें कि एनआरसी आसाम पर एक बहुत बड़ी डिबेट देश में हो चुकी है। एनआरसी आसाम को सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में मुकम्मल किया गया। 5 साल से ज्यादा वक्फा हो चुका है, 6 साल हो चुके हैं तकरीबन। उस एनआरसी के नतीजे में ना किसी को नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला। जिनके नाम एनआरसी में आ गए थे उसमें से किसी को भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं। और जो 19 लाख लोग एनआरसी आसाम में अपना नाम शामिल नहीं करा पाए थे, कानूनन उनको एक नोटिस जाना चाहिए था कि अब आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने अपीयर हों और अपनी नागरिकता साबित करें। उनमें से किसी को नोटिस नहीं मिला। नागरिकता एक बड़ा अहम संवैधानिक मुद्दा है। जब सबसे पहले नागरिकता का आइडिया आया फ्रांस में, इसका मतलब किसी देश से और किसी टेरिटरी से नहीं था। इसका मतलब कहीं पर आपकी पैदाइश हो जाने से नहीं था। जो उनका फर्स्ट नेशनैलिटी एक्ट था, जो फर्स्ट रिपब्लिक में बात हो रही थी, वो बात तो ये थी कि क्या रिपब्लिक के जो बुनियादी उसूल हैं उनमें किसी का यकीन है। और अगर उन बुनियादी उसूलों में यकीन है तो फिर तो फॉरेनर्स को भी नेशनैलिटी दी जा सकती थी। थॉमस पेन को न सिर्फ नेशनैलिटी दी गई बल्कि फ्रेंच कन्वेंशन का मेंबर बनाया गया। वक्त आगे बढ़ता गया, नेशन स्टेट का जमाना आ गया। नेशनैलिटी में अब पैदाइश किसी जगह पर सेंट्रल हो गई। ये पैदाइश उन उसूलों में यकीन से कुछ कमतर चीज थी, लेकिन फिर भी यूनिवर्सल थी। जो जहां पैदा हो गया वो वहां का नागरिक माना जाए, सिटीजन माना जाए, ठीक था। कितने भारतीयों ने विदेशों में नागरिकता पाई है वहां पर पैदा होने की वजह से, कि उनके मां बाप वहां गए और वो पैदा हो गए। फिर और वक्त बदला। भारत में व्यापकता संकीर्णता में बदल गई। वो देश जो वसुधैव कुटुंबकम के नारे में यकीन रखता था, उसने कहा कि अब पैदाइश पर सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। पहले कहा कि दोनों मां बाप में से कम भारत का नागरिक हो, यानी पैदाइश भी हो और किसी भारतीय नागरिक से खून का रिश्ता भी हो। फिर और कुछ संकीर्णता बढ़ गई।
तो लॉ में और संशोधन हुआ और कहा कि दोनों मां बाप भारत के नागरिक हों और आप भारत में पैदा हुए हों तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। भारत की नागरिकता का जो कानून है उससे अलग एक कानून आसाम के लिए बनाया गया और उस कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। देश का बंटवारा हुआ था, बंटवारे के बाद भारत को तय करना था कि जिस दिन देश में संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक है। संविधान के अनुच्छेद 5 ने उसको तय कर दिया। मैंने बताया कि ये वो जमाना था जब हमारा व्यापकता में यकीन था, तो हमने कहा कि जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक है। लेकिन बंटवारा हुआ था, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, कुछ जाकर वापस आ गए थे, कुछ जाकर फंस गए थे। जब गए थे तो धंधा और बिजनेस करने गए थे, सामान बेचने गए थे, एक देश था उस जमाने में। बाद में बंटवारा हो गया, दंगे हो गए, फंस गए वहां पर, उनकी फैमिलीज और परिवार भारत में रह गए, उनको भारत में लाया गया फिर एक परमिट सिस्टम के तहत। ये ज्यादा मामला पश्चिम पाकिस्तान की तरफ हो रहा था, इसलिए देश के संविधान ने कहा कि जो भी पश्चिम पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 तक भारत में आ गया उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, और जो उसके बाद आएगा उसको साबित करना होगा कि वो उधर से आया है, उसका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद ही उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। और जो बहुत से ऐसे थे जो इधर से गए थे उनके लिए तय कर दिया कि अगर ये 1 मार्च 1947 के बाद गए हैं, अब ये जब भी लौटें माना ये जाएगा कि ये 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, और तब इनको रजिस्टर करना होगा एक परमिट सिस्टम के तहत। इनके यहां इंक्वायरी की जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या वाकई में इनकी फैमिली यहां फंस गई थी, कि वाकई में किसी बिजनेस और धंधे के लिए वहां गए थे। ये सारे मामलात पश्चिम पाकिस्तान से हो रहे थे। इधर जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो 1971 में जाकर बांग्लादेश बनेगा, यहां बॉर्डर बड़ा पोरस है। दरअसल चाहे पश्चिम पाकिस्तान हो या पूर्वी पाकिस्तान हो, ये दोनों देश प्रकृति के विरुद्ध हैं। इस पूरे इलाके में सिर्फ एक देश है जिसका नाम भारत है, और ये जो पूरी दो राष्ट्रों की थ्योरी थी ये गलत थ्योरी थी। इस देश का बंटवारा एक दुर्भाग्यपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। मैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है आज उस बहस में नहीं जाना चाहता, वो अपने आप में एक अलग बहस है। लेकिन इतना कहे बिना नहीं रह सकता कि इस पूरे इलाके में सिर्फ एक देश है और वो मेरा देश है, मेरा भारत महान। वहां प्रकृति के हिसाब से कोई दूसरा देश बांग्लादेश जैसा या पाकिस्तान जैसा नहीं है। अब फिर ये दो देशों और दो राष्ट्रों की थ्योरी, धर्म के नाम पर तो राष्ट्र बनने ही नहीं चाहिए, ये तो 25 साल भी नहीं चल पाई। बांग्लादेश में तो सब मुसलमान थे लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहने से इनकार किया और एक नया देश वजूद में आ गया 25 मार्च 1971 को। अब जैसा मैंने आपको बताया कि वहां की ज्योग्राफी ऐसी है कि सुबह इधर आ जाते हैं तो भारत हो जाता है,
शाम को उधर चले जाते हैं तो बांग्लादेश हो जाता जाता है, मिला हुआ है, पोरस है बॉर्डर, नदियां हैं, इधर से तैर के आए उधर तैर के चले गए, क्योंकि वो देश एक आर्टिफिशियल देश है, प्रकृति ने वहां कोई और देश नहीं बनाया, प्रकृति ने भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक देश की तरह बनाया है। अब जब वहां से लोग आ रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, कौन उधर से ज्यादा आ रहा होगा? 1947 से भी वो देश एक इस्लामी राष्ट्र बन जा रहा है जिना के मरने के बाद। जाहिर है कि जिस तरह पश्चिम पाकिस्तान से ज्यादातर हिंदू भारत में आ रहे थे, जिन्हें शरणार्थी कहा गया, इसी तरह जो आज बांग्लादेश है और 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से भी तो हिंदू ही आ रहे थे ज्यादातर। हमने एक राजनीति के तहत समाज को बांटने की खातिर बांग्लादेश से इधर आने वालों को टर्माइट कहा, दीमक कहा, उस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जैसा कि हिटलर की नाजी जर्मनी में इस्तेमाल यहूदियों के लिए हुए थे। आने वालों की संख्या बढ़ा चढ़ा कर बताई गई, किसी ने कहा 1.5 करोड़ है, किसी ने कहा 1.25 करोड़ है। खुद गवर्नर सिन्हा ने, वाजपेयी सरकार के गवर्नर थे, जो रिपोर्ट केंद्र को भेजी, उस रिपोर्ट में जिन किताबों का जिक्र किया वो अथॉरिटेटिव किताबें नहीं थी, वो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पर बेस किताबें थी। किस तरीके की बातें उनमें लिखी गई कि आसाम में आने वाले लोगों को कहा गया कि जैसे गिद्ध एक मरे हुए इंसान की तरफ आते हैं, उस तरीके से ये लोग जो माइग्रेंट थे उधर से इधर आ रहे थे। दीमक कहा गया, इलीगल माइग्रेंट कहा गया, और कहा गया कि ये वहां की संस्कृति को बदल दे रहे हैं, कहा गया कि इनको डिपोर्ट किया जाए, और डिपोर्ट भी ना किया गया। जब एनआरसी हो गई, ये जितने दावे थे ये गलत साबित हुए। एनआरसी में सिर्फ 19 लाख लोग निकले जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि ये सब के सब अभी विदेशी हैं, हो सकता है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इनमें से कई को भारत का नागरिक मान ले। और जो ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला, जिसमें आसाम में नागरिकता का जो कानून, आसाम समझौते की रिजल्ट में राजीव गांधी सरकार ने 1985 में बनाया था, उसको चुनौती दी गई। कहा गया कि पूरे देश में नागरिकता के लिए जो कट ऑफ डेट हो वो तो एक हो, आसाम को अलग नहीं किया जा सकता, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कहा गया कि ये जो बांग्लादेश से लोग आसाम में आ रहे हैं, ये तो दरअसल एक विदेशी हमला है, और अगर एक विदेशी हमला भारत की जमीन पर हो तो फिर तो केंद्र की अनुच्छेद 355 के तहत ड्यूटी है कि उस राज्य को उस एक्सटर्नल एग्रेशन से और विदेशी हमले से बचाया जाए, भारत की धरती की सुरक्षा की जाए। कहा गया राज्य का मतलब सिर्फ राज्य नहीं है, लोग हैं। काश राज्य का मतलब लोग कश्मीर में भी मान लिया गया होता या समझ लिया गया होता। कहा गया
ये जो बंगला बोलने वाले उधर से आ रहे हैं, ये आसाम के लोगों का जो राजनीतिक अधिकार है अपने प्रतिनिधि चुनने का, उस अधिकार के विरुद्ध जाती है ये बात, उनके राइट को डाइल्यूट कर देता है। कहा गया कि आसामी संस्कृति को खतरा है ये जो बंगला बोलने वाले आ रहे हैं। समझिए इस बात को, असम गण परिषद और आसाम के जो संगठन हैं, वो बांग्लादेश से आने वाले लोगों को धर्म की निगाहों से नहीं देखते। आसाम की नागरिकता की समस्या हिंदू मुस्लिम समस्या नहीं मानते, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश से आसाम में आने वाला हिंदू है या मुसलमान। ये पूरा मूवमेंट असम गण परिषद का ये इथनिक मूवमेंट था। वो ये कहते हैं कि आसाम में जो ये बंगला बोलने वाले आ जाते हैं, बंगला भाषाई लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनसे आसाम की संस्कृति को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी समाज में एक दूसरी भाषा और संस्कृति के लोग मौजूद हों, ये अपने आप में काफी नहीं है ये साबित करने के लिए कि जो संस्कृति के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 29 में है उसका उल्लंघन हुआ है। क्या था ये आसाम का कानून? आपको मालूम है कि उधर कट ऑफ डेट 19 जुलाई 1948 है पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए। आसाम में लोग आते रहे, जब बांग्लादेश बन गया तब भी आते रहे। उन आने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में CAA बनाया। आसाम ने उसका विरोध क्यों किया? क्योंकि आसामी ये चाहते हैं कि 1971 के बाद जो भी आया हो, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, वो ना आए। जब बांग्लादेश बन गया, अब बांग्लादेश से किसी भी को भारत में आसाम में आने की अनुमति ना हो। यानी वो कट ऑफ डेट जो आसाम ने 1971 रखी थी, संसद ने CAA के जरिए उसको 31 दिसंबर 2014 कर दिया। इसलिए आसाम में CAA का विरोध हुआ। इस CAA के कानून से पहले NRC आसाम हुई, 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक लीगेसी डेटा के हिसाब से देखा गया कि क्या 1951 में इसके खानदान के, इसके मां बाप, इसके दादा का नाम इलेक्टोरल रोल में था? क्या सबूत है कि ये यहां पैदा हुआ? और डेट्स बना दी कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो भी आसाम में आ गया उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। कहा गया कि ये 1 जनवरी 1966 एक आर्बिट्रेरी डेट है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने, जस्टिस सूर्यकांत ने जो बड़ा डिटेल जजमेंट लिखा, उसमें कहा कि 1 जनवरी 1966 में इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ था, इसलिए इस तारीख तक जो आ गया उसको भारत का नागरिक मान लेना आर्बिट्रेरी नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं। फिर 1966 से लेकर
1971 तक, 24 मार्च 1971 तक जो भी आसाम में आ गया, अगर वो आसाम में रह रहा है, उसे सारे अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन जिस दिन से ये डिटेक्ट हुआ कि वो विदेशी है, उस दिन से 10 साल तक उसको चुनावों में वोट देने का अधिकार नहीं होगा, और उसका रजिस्ट्रेशन एज सिटीजन हो जाएगा, वोटिंग का राइट नहीं होगा, वोटिंग का राइट 10 साल बाद मिल जाएगा। और फिर तीसरी बात यह कही कि जो 25 मार्च 1971 यानी बांग्लादेश बनने के बाद आसाम में दाखिल होगा, उसको डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा, यानी उसको ढूंढा जाएगा कौन ऐसे लोग हैं जो 25 मार्च 1971 के बाद आए, उनके नाम नागरिकता में से हटा दिए जाए और उनको बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए। 2019 का CAA इस कानून को डाइल्यूट करता है, वो ये कहता है कि मुसलमान और यहूदियों को छोड़कर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी भारत में कहीं भी आया हो, सिवाय कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। उसूल ये था जिसके बिना पर CAA बना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, अगर वो भारत में आना चाहें तो उनको नागरिकता दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आसाम के लिए नागरिकता का प्रावधान था उसको संवैधानिक पाया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो फैक्ट हैं कि कितने इलीगल इमिग्रेंट आसाम में हैं, मैंने आपको बताया कि वो फिगर कभी 1.5 करोड़, कभी 2.25 करोड़, कभी 1.25 करोड़ बताई गई। पेटिशनर ने खुद 40 लाख माना, लेकिन असलियत में तो ये उससे भी आधी निकली, आधी से भी कम, 19 लाख। और कहते हैं उस 19 लाख में भी ज्यादातर मुसलमान नहीं है। बड़ा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फ्रेटर्निटी को अहमियत दें, भाईचारे को अहमियत दें, समाज में मन मुटाव ना हो, प्यार और मोहब्बत हो। जो जस्टिस सूर्यकांत ने फ्रटर्निटी पर लिखा है इस जजमेंट में, इतना विस्तृत डिस्कशन फ्रटर्निटी के मुद्दे पर शायद ही किसी जजमेंट में आया हो। दरअसल फ्रटर्निटी भारत के संविधान का उद्देश्य है। अगर प्रीएम्बल को गौर से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस देश का जो उद्देश्य है वो ये है कि समाज में भाईचारा हो और प्यार और मोहब्बत हो और नफरतें खत्म हो। अब इस जजमेंट का असर क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। NRC आसाम संवैधानिक है, होना यह चाहिए कि फौरन आसाम में जितने भी लोगों के नाम NRC में आ गए सब के सब को नागरिकता का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। जो 19 लाख लोग NRC में शामिल नहीं हुए उनको सरकार को नोटिस इशू करना चाहिए ताकि वो अपने प्रमाण पत्र अगर उनके पास हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को दिखाएं, और फिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल फैसला करेगा कि वो नागरिक हैं या नहीं है,
यकीनन अगर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को समझते हैं कि गलत है तो उसको चुनौती हाई कोर्ट में दे सकते हैं। हाई कोर्ट का फैसला अगर गलत है तो उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। मेरा यह अंदाजा है कि क्योंकि बहस ये हो रही है इस केस में कि एक केस ऑफ अंडर इंक्लूजन है, सिर्फ आसाम के लिए यह कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया यह मुमकिन है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस अगर ऐसा डिमांड करें तो संसद को अधिकार है कि वो एक राज्य के लिए भी कानून बना सकती है। संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 से नहीं मिल रही है जो कह रहा है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप पे लॉ बना सकती है, बल्कि वो तो एंट्री नंबर 17 से मिल रही है यूनियन लिस्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 6 और 7 जिसमें वो कट ऑफ डेट पश्चिमी पाकिस्तान वाली थी वो इधर नहीं, इसलिए अगर संसद ने एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन, राजनीतिक सॉल्यूशन प्रेजेंट किया आसाम में जो माइग्रेशन हो रहा था, तो संसद को वो अधिकार है, वो संवैधानिक। मुझे ये लगता है कि गो के जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीएए की संवैधानिकता की बेंच नहीं बनाई, हो सकता है अगले 6 महीने में जस्टिस संजीव खन्ना, जिनका कल अपॉइंटमेंट हो गया एज मुख्य न्यायाधीश, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वो अपने 6 महीने के पीरियड में सीएए पर एक संवैधानिक बेंच बनाएं और अब संवैधानिक बेंच सीएए को संवैधानिक माने, क्योंकि इस जजमेंट में साफ तौर से कह दिया गया कि अंडर इंक्लूजन होने पर किसी कानून को असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। मैं समझता हूं बहुत अच्छा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6A की संवैधानिकता पर दिया है। मैंने तो यह लिखा था कि पहले 6A की संवैधानिकता तय करें फिर एनआरसी करें, कम से कम 3 जजमेंट ऐसे रहे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आसाम की नागरिकता के कानून की संवैधानिकता पर संदेह दिखाया था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद 13 सवाल बनाए थे अनुच्छेद 6A की संवैधानिकता पर। बेहतर होता पहले संवैधानिकता तय होती फिर एनआरसी होती, लेकिन अब क्योंकि संवैधानिकता तय हो गई, एनआरसी हो चुकी है, मैं समझता हूं कि आसाम में उन नागरिकों का हक बनता है जिनका नाम एनआरसी में आ गया कि उनको बिना किसी विलंब के नागरिकता का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। सारे देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सेफ दीपावली मनाएं, पॉल्यूशन ना करें, पटाखों को छोड़ते समय याद रखें कि ये प्रदूषण हमारे अपनी बॉडी में वापस जाने वाला है। जो भी राज्य सरकारों के दिशा निर्देश हों उन दिशा निर्देशों को अपनाएं, दीपावली खुशियां देने वाली बने, ना कि प्रदूषण करने